रेड कलर का और ये पर्पल रास्ते पर चल रहा है। पानी में बिना कूदे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंच गया है हमारे डायनासोर। अच्छा, ये जिस कलर में है उसी कलर के दरवाजे में पहुंचा और ये तीनों बॉम्ब्स इसने खा लिए हैं। अब क्या ये फटेगा? पर अब सीन शिफ्ट हो गया है और सीन शिफ्ट होके आता है दूसरे जानवरों के पास जो कुछ पिंजरों में बंद है। ये गोरिल्ला ने फेंका पिंजरे का गेट और कुत्ता उसके नीचे आके दब गया और गोरिल्ला एक फाउंटेन को पार करके दूसरे फाउंटेन को भी पार करता हुआ हरे कलर का हो गया है और ये एक पर्पल टायर को यहाँ से लुढ़काते हुए सीधे सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। अब ये सीढ़ियों पे चढ़ के कहाँ जाएगा ये तो हमें वीडियो देखते हुए ही पता चलेगा। गोरिल्ला ऊपर चढ़ चुका है और ये कुत्ते इस पिंजरे की निगरानी कर रहे हैं। क्या ये शेर को आजाद करने वाला है? नहीं, पर ये कहाँ जा रहा है? ये गोरिल्ले ने उठाई चाबी और ये जा रहा है अपने दोस्त को छुड़ाने। आगे में ये कुत्ता आ चुका है, इसकी तो खैर नहीं। चल भाग यहाँ से, ये भागा डॉगी और गोरिल्ला ने खोल दिया ये ताला और ये दोनों आपस में मिल गए। क्या बात है! चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा जानवर है जो ऐसे बचते बचाते अपने दोस्त को छुरा के वापस लाएगा। अरे वाह, गोरिल्ला ने क्या करतब दिखाया है! क्या बात है! और ये दोस्त ने भी करतब दिखाया और अब ये दोनों वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों अब इस फाउंटेन को क्रॉस करेंगे। पहले ने तो कर लिया, दूसरे ने भी कर लिया। हाँ हाँ, इस फाउंटेन को ही क्रॉस करना है। आगे बढ़ो गोरिल्लाज। अब ये दोनों आगे बढ़ के वापस अपने असली रंग में आ गए हैं और ये केले खाने वाले हैं। क्या बात है, दोनों ने अपनी भूख मिटाई। ये तो देखा आपने गोरिल्ला की ताकत कितनी होती है। ये दोनों अब वापस जा रहे हैं। अब बारी आती है चीते की। ये कुत्ता तो चीते से बच गया, वरना मुझे तो लगा था ये भी नीचे आ जाएगा उस ग्रिल के। चलिए, चीता एक फाउंटेन के अंदर तो घुस के बाहर आ गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कुत्ता उसका पीछा क्यों कर रहा है। क्या ये अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है? चलिए देखते हैं। हाँ हाँ चीते, इस फाउंटेन में तुम्हें जाना होगा ताकि तुम लाल रंग के बन के बाहर निकलो। क्या बात है, देखिए और ये कुत्ता भी लाल रंग का होके बाहर आ गया। चीता जहाँ जहाँ जा रहा है कुत्ता उसको फॉलो किए जा रहा है। लगता है इसकी किस्मत खराब है। ये रेड दरवाजे के पास गाय, ब्लू दरवाजे के अंदर राइनो, पीले दरवाजे में से टाइगर बाहर आ रहा है। चलिए देखते हैं नीले दरवाजे में से क्या बाहर आता है। ये तो एक हाथी है और इस पर्पल दरवाजे से डायनासोर निकल के आया और ये सारे जानवर एक लाइन में खड़े हैं और गाय आगे बढ़ती है मुंडी हिलाते हुए। इसे इस रेड वाले स्लाइड पे स्लाइड हो के इस पानी में गिरना था। अब राइनोसेरस भी आगे आया और ये भी स्लाइड हो के पानी में गिर गया और अब फिर से एक और जानवर टाइगर आता है और ये भी इसमें स्लाइड हो के उस पानी में गिर गया। अब बारी आती है हाथी की। हाथी मदमस्त झूमता हुआ आगे आ रहा है और ये भी इसमें स्लाइड होते पानी में गिर गया। अब बारी आती है डायनासोर की। ये भी ऑब्वियस है, स्लाइड होते पानी में जाके गिर जाएगा, पर ये तो स्मार्टली मूव कर रहा था। अब ये सारे रेड, ब्लू, येलो, ब्लू और पर्पल होके बाहर आए हैं। अब इनको ये गेट्स में से क्रॉस करके बाहर निकलना होगा। गाय बाहर आ गई है, उसके पीछे एक और गाय आ गई है। ये क्या, उसके पीछे एक और गाय आ गई है? अच्छा, इसका मतलब इस गेट से निकलने के बाद इनटू 3 हो जाता है। क्या बात है, 3 राइनोसेरस हो गए। अब बारी आती है टाइगर की। जी हाँ, इसका मतलब अब हमारे पास 3 टाइगर हो जाएंगे। देखो 3 टाइगर हो गए। ओह माय गॉड। अब बारी आती है हाथी की। देखो 3 हाथी भी आ गए।
अब तो दोस्तों मुझे डर लगने लगा है। पहले तो कम जानवर थे, अब इतने सारे जानवर हो गए हैं। अब बारी आती है किसकी? ऑब्वियसली डायनासोर की। और ये डायनासोर ने भी क्रॉस किया और अब हमारे पास तीन तीन डायनासोर आ गए हैं। इतने सारे जानवर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला होगा इनके साथ। वाह, इतने सारे बर्ड्स! और ये क्या, मगरमच्छ के ऊपर ये आंटी क्या कर रही है? अरे ये तो बहुत ताकतवर है। चलो गेम खेलते हैं। तो इस गेम के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिनको इन एनिमल्स को पार करना है। तो चलो देखते हैं ये सारे एनिमल्स इस गेम को जीत पाते हैं कि नहीं। इस गेम में सबसे पहले खेलने वाला है इतना बड़ा चिकन। तो देखते हैं ये चिकन इस गेम को पार कर पाता है कि नहीं, और अपने फ्रेंड अंडे को तोड़ पाता है कि नहीं। तो चलो ये मुर्गा चला भागते भागते। और ये क्या, इसने तो पहला पड़ाव पार कर लिया है, इसने दूसरा पड़ाव भी काफी अच्छी तरीके से पार कर लिया है। वाव, ये देखो बच गया। यहाँ पर ये जो है वो बच गया है, और ये यहाँ से पाइप से बाहर नीचे आ गया। वाव, तो अभी ये ढूंढ रहा है कौन सा अंडा फोड़ू। तो चलो ये जो है चिकन ने पहला वाला अंडा फोड़ा है, और इसने अपने पार्टनर को ढूंढ लिया। चलो घूमने। तो ये दोनों गए घूमने के लिए। अभी कौन से एनिमल की बारी है? ओहो, डक। तो देखते हैं जो डक है इस गेम को जीत पाता है कि नहीं, और अपने पार्टनर को ढूंढ पाता है कि नहीं। तो चलो डक चला इस गेम को पार करने के लिए। वाव, इसने तो पहली स्टेप कंप्लीट कर ली है, अभी सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट कर रहा है। वाव, कितनी अच्छी तरीके से कूद रहा है, देखिए। वाव, इसने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिए है। अभी देखते हैं डक अपने पार्टनर को ढूंढ पाता है कि नहीं। कौन सा अंडा फोड़ू, कौन सा अंडा फोड़ू। चलो ये वाला अंडा फोड़ता हूँ, देखते हैं। वाव, लेकिन ये तो फंस गया, इसने गलत अंडा फोड़ा है, इसलिए इसको बड़ी मार। अभी कौन सा है एनिमल? अभी ये जो फीमेल चिकन है, देखते हैं ये फीमेल चिकन इस गेम को जीत पाती है कि नहीं, कि मार खाती है। तो चिकन चली दौड़ी दौड़ी दौड़ी, भागी भागी भागी, अपनी जान बचाते बचाते इसने इस गेम को पार करने की कोशिश कर ली है। तो देखते हैं अभी ये भी सही से अंडा फोड़ पाती है कि नहीं। चलो ये है फीमेल चिकन, इससे पहले वाला था मेल चिकन। तो देखते हैं फीमेल चिकन ढूंढ रही है कौन सा अंडा फोड़ू। चलो ये वाला अंडा फोड़ती हूँ। और ये क्या, इसने तो अपने पार्टनर को ढूंढ लिया, ये भी गई पानी में तैरने के लिए। अभी कौन सा एनिमल है? अभी है ये वाला एनिमल। वाव, देखो कैसे भाग रहा है। वाव, कितनी अच्छी तरीके से पाइप के अंदर गया और इस तरीके से बाहर आया। अब ये क्या करने वाला है, जरा ध्यान से देखिए, इसका गेम तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाव, वाव, कितनी अच्छी तरीके से जंप कर रहा है, देखते हैं इस गेम को जीत पाता है कि नहीं। चलो ये भी गया इस पाइप के अंदर, यहाँ से बाहर निकला, और ये फोड़ रहा है ये वाला अंडा। चलो फोड़ो 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 फोड़ो। और ये क्या, इसने तो रॉन्ग एनिमल को ढूंढा, तो इसने भी मार खाया। अभी है ये वाला कबूतर। आपने भी कबूतर देखा होगा ना, आपके बालकनी में हर दिन आते होंगे, और ये लोग भी काफी अच्छे होते हैं। चलो देखते हैं ये गेम जीत पाते हैं कि नहीं। चलो कबूतर रानी, चलो 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 कबूतर रानी, चलो 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 कबूतर रानी, चलो जीतेगी भाई, जीतेगी कबूतर रानी, गेम जीतेगी। वाह, चलो कबूतर रानी आ चुके है, अभी इसको फोड़ना है ये वाला अंडा, देखते हैं ये गेम जीत पाती है कि नहीं। वाह, ये जीत गई है ये गेम, तो कबूतर रानी भी इस गेम को जीत गई। ओके, तो रेस स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं इन जानवरों को। सबसे पहले ऑस्ट्रिच आगे बढ़ता हुआ, और ये फोड़ा इसने, ये इधर उधर क्या देख रहा है, और ये फोड़ा इसने एक बलून, और फिर से ये इधर उधर क्या देख रहा है हमें नहीं पता। ये ऊपर चढ़ के शेर की तरफ कुछ इशारा कर रहा है, शेर ने भी इसे कुछ इशारा किया, और ये क्या, हथौड़ा आ गया, और ये ऑस्ट्रिच आगे पीछे भागने लगा, और ये कहाँ गिर गया, अच्छा इस पीले कलर में गिर के ऑस्ट्रिच पहुँच गया ऊपर।
और अब ये देख रहा है कि मुझे किस दरवाजे में जाना चाहिए। अरे नहीं, इसे तो पिचर प्लांट ने खा लिया। अब बारी आती है शेर की। शेर पहुंचा एक बलून के पास। शेर ने भी उस बलून को फोड़ दिया। अरे क्या बात है, स्वैग से इधर उधर देख रहा है हा? अरे आंखें भी मारता है। चलिए तो अब शेर आगे बढ़ रहा है काफी स्वैग के साथ चश्मा लगा के। देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ये इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है? क्या अब ये इस पानी में गिरेगा? बड़े गौर से पानी को देख रहा है और ये जंप मारा शेर ने। ब्लू कलर का होके ब्लू कलर की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए और ये पहुंचेगा दरवाजे के पास। अब शेर को डिसाइड करना है कि उसे कौन से दरवाजे में जाना है। ऑब्वियस है, ब्लू कलर है तो अपने रंग वाले दरवाजे में ही जाएगा। पर ये कहां भाग रहा है? मकरे से इसे कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे शेर रुक जाओ। अरे ये तो जीत गया, क्या बात है। और ये हथौड़ा मारा मकरे को और मकरा दूर जाके गिरा। सारे जानवर उस पर हंसते हुए। अब बारी आती है राइनो की। राइनोसोरस ने फिर से एक बलून को फोड़ दिया और ये काफी स्वैग के साथ आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल शेर की तरह। अरे नहीं, उसके पीछे तो हथौड़ा आ रहा है, उसे भागना होगा। और ये भागते हुए हमारा राइनो गया पीले रंग में और ये पीली सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जा चुका है। अब देखते हैं ये किस दरवाजे की ओर जाता है। पीले रंग का दरवाजा तो खाली निकला। अब बारी आती है हाथी या डायनासोर। दोनों आपस में डिसाइड कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये हथौड़े ने मार के हाथी को आगे बढ़ा दिया। मजबूरी में बेचारा मुंडी लटकाते हुए आगे जा रहा है। पर इससे बलून फूटा क्यों नहीं? इसने तो फोड़ा ही नहीं बलून को, और ये उसे अपने सिर पे लेके क्यों जा रहा है? लगता है ये हार जाएगा। इसने पानी में क्यों गिरा दिया बलून को? और ये खुद भी कूद गया। और ये बिना कलर किए हुए वापस आ गया। ये इसकी पीठ पे क्या है? ये सोने का हाथी बन गया क्या? अरे हाँ बिल्कुल सही। और ये इसकी पीठ पे सोने का परत क्यों चिपक गया है? अच्छा, इस मॉन्स्टर से बचने के लिए। क्या बात है, मेरे हाथी मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया। अरे वाह, और हाथी चला गया अपने दरवाजे के अंदर। अब अकेला डायनासोर बचा है। बेचारा डायनासोर क्या कर पाएगा अकेले? इसकी मदद के लिए तो इसके दोस्त भी नहीं है। ये डायनासोर ने उठाया बलून और खा लिया और ये हो गया रेड कलर का और ये पर्पल रास्ते पर चल रहा है। पानी में बिना कूदे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंच गया है हमारे डायनासोर। अच्छा, ये जिस कलर में है उसी कलर के दरवाजे में पहुंचा और ये तीनों बॉम्ब्स इसने खा लिए हैं। अब क्या ये फटेगा?